तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं सुबह सुबह आ गया हूँ हमारे पार्क में। गाइस एक्चुअली मैं यहाँ पे अभी बज रहा है आई थिंक शायद 9 o'clock, और मैं 8 बजे आ गया था यहाँ पे। बट मेरे को व्लॉग नंबर 161 की एडिटिंग करनी थी, सो मैं बैठ गया। मैंने कहा सुबह सुबह बढ़िया ठंडी हवा में एडिटिंग कर लेते हैं, तो एडिटिंग कर ली बस। और अभी ज़्यादा यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज के लिए आई थिंक है नहीं, बिकॉज आज धूल बहुत उड़ रही है। आई डोंट नो व्हाई फ्रॉम हियर टू मच डस्ट। लाइक मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी टंग में भी आ रही है। तो चलो गाइस थोड़ा यहाँ पे घूमते हैं, देन विल गो बैक टू होम। और भूख लगने लगी तो मैं जाके ब्रेकफास्ट करूँगा। चलो गाइस शाम को 6:30 बज रहा है, डैम चलते हैं, लेट्स गो। नाइट ग्लास शूज। व्हाट्सअप गाइस, मैं अभी आ गया हूँ डैम से सीधा हमारे मनीषा पार्क में। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये रोज़ डैम और पार्क भी आता है। गाइस इतनी गर्मी लगती है और मैं ना एसी चलाता हूँ ना कूलर चलाता हूँ, तो गाइस अपने आप को कूल डाउन करने के लिए गर्मियों में थोड़ा लेक साइड या थोड़ा बाहर तो निकलना ही पड़ता है। और रोड साइड पर तो आप लोग जानते ही हो कि कैसी, एक तो जो हमारा रोड है जो जैसे बोलते हैं डम्बल, एक्चुअली डम्बल से ऐसी हीट वेव निकलती रहती है ऊपर से गाड़ियों की हीट, तो रोड साइड खड़े होना तो मुश्किल ही है। तो पार्क चूँकि हमारे घर के पास है तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए तो आ ही जाता हूँ यार गाइस। और गाइस देखो उधर पे मुझे दिख रहा है ना कि कुछ बच्चे बहुत ही कूल गेम खेल रहे हैं। मेरा बड़ा मन कर रहा है कि उनके साथ में खेल लूँ, पर खेल तो सकते नहीं, तो चलो जाके पास जाके देखते हैं, लेट्स गो। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये बच्चे कुछ बहुत ही पुराना सा कूल गेम खेल रहे हैं। चलो पास में चलते हैं। और गाइस एकदम से जाके कैमरा मुंह पे नहीं लगा सकता, बिकॉज है ना लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं, तो है ना पहले थोड़ा इधर उधर कैमरा घुमाना पड़ता है, उसके बाद। चलो गाइस पोपट हो गया, मैं जैसे ही घूम कर उधर से आया और इतने में उन लोगों का गेम ख़त्म हो गया और उठ के चले। और गाइस पता नहीं आज तो क्यों पोपट पे पोपट ही हो रहा है, जैसे कि बैडमिंटन खेल रहे थे तो मैं उनका शॉट लेने ही वाला था कि उन लोगों ने भी एकदम से बैडमिंटन वगैरह सब रख दिया। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी दिन की है ना, आप जैसे ही शॉट लेने वाले होते हो आप करते जाते हो लेकिन वो होते ही नहीं है शॉट, मतलब जो आपके माइंड में होता है कि आप ये कैप्चर करोगे और उसी टाइम पे पोपट पे पोपट पोपट पे पोपट होते रहते हैं। ऐसा दूसरी चीज़ों में भी होता है, सो डोंट टेक इट सीरियसली, होता रहता है। We'll be right back.
गाइस देखो, प्लेन और चंद्रमा साथ साथ। ओके गाइस, सो अभी आज थोड़ा थोड़ा सा मैं है ना लो सा फील कर रहा था, बिकॉज जैसी व्लॉगिंग मेरे को करनी थी वैसी आज एक दो दिन से मैं कर नहीं पा रहा था। तो फिर पार्क में आया यहाँ पे, तो फिर यहाँ जैसे ही शॉट लेने को लिए तो आऊँ तो लोग क्या बोलते हैं अपना तो पोपट हो गया, फिर कुछ लोगों की घूरा घा रही अचानक से, लाइक 80% तो मुझे यही झेलना पड़ता है। एवरी टाइम पीपल स्टेयर एट मी, घूरते रहते हैं हमेशा, और ऐसा गंदा वाला घूरते हैं कि है ना कंटिन्यू देखते रहेंगे। सो उस समय क्या होता है कि बची खुची झील भी चली जाती है, जब यू कैन से की हिम्मत भी चली जाती है बची खुची की, यार अब एक तो वैसे ही घूर रहे हैं क्या, और उनके तरफ कैमरा करो तो और पता नहीं स्पॉइलर दे दें। तो ऐसे ही सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स हो गया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा लो फील कर रहा था, और फिर देख रहा था कि बढ़िया लोग खेल रहे हैं अपना मस्त, सब ऐसा लग रहा था कि सब खुश हैं, बस एक मैं ही हूँ जो थोड़ा सा लो हो रहा हूँ। फिर अचानक से मेरे को एक बात समझ आई कि मैं जो कर सकता हूँ वो लोग तो ये कर नहीं सकते, लाइक मेरा इंग्लिश सॉन्ग्स का सिंगिंग टैलेंट। मैंने जैसे ही गाना स्टार्ट किया तो सब इधर उधर देखने लग गए। तो गाइस उससे एक चीज़ ये समझ में आती है कि हमेशा खुद पर भरोसा रखना। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो आप कर सकते हो, जो आपके स्किल्स हैं वो आपके हैं, और वो स्किल्स दूसरे के पास नहीं है। सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कि अपने आप पर हमेशा भरोसा रखो, कि ऐसा नहीं है कि अगर दूसरों को मत देखो कि यार वो कर रहे हैं हम वो नहीं कर पा रहे, आप जो कर सकते हो आप जो कर रहे हो वो लोग वो नहीं कर रहे हैं। सो ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड कीप कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ। कभी भी लो फील हो तो हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि आपकी जो स्किल्स हैं, आप जो चीज़ कर रहे हो वो लोग और कोई नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन आप फिलहाल आपके आसपास कोई नहीं कर सकता। सो मतलब वो एक बात याद आती है ना कि मैं कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस है, और मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, बट फिलहाल आप कर रहे हो तो ये स्किल आपके पास है। अगर आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा तो इसको एक अच्छे वे में लो कि यार अब इसने अच्छा कर दिया मुझसे, अब मैं इससे और अच्छा करके दिखाता हूँ। सो कीप दैट स्पिरिट ऑन एंड रॉक ऑन इन लाइफ।